आप उड़ीसा आए हैं, उड़ीसा तो बहुत बार आप आए हैं पहले, एंड उड़ीसा इज ऑल्सो फेमस फॉर मेनी. उड़ीसा हैज प्रोड्यूस सम ग्रेट लिटरेटर्स, सम ग्रेट डांसर्स, म्यूजिशियंस, लॉट ऑफ पीपल. उड़ीसा तो है ही ऐसा. हम लोग सुने हैं कि आप भरतनाट्यम में कुछ कोर्स किए थे. हाँ, मैंने सीखा था, पूरा नहीं सीखा. मैंने सुधा डोरोस्वामी उस समय बहुत अच्छी भरतनाट्यम की हमारी गुरु थी, तो उनसे 5 रुपये फीस में 3 दिन हफ्ते में, है ना. लेकिन मेरी दादी ने बहुत विरोध किया. मेरी दादी ने कहा कि हम जमींदार खानदान के हैं, हम लोग पतुरिया यानी वैश्या, पतुरिया शब्द, हम अपने घर के दरवाजे पर नचाते हैं, हमारे घर की बेटी नाच सीखेगी? हम नचाने वालों में से हैं, हमारी घर की बेटी नाच नहीं सीखती है, बंद करो इसको, एक उताना. तो मेरे पिता को भी नहीं पता था. मेरी माँ ने चुरा के मुझे 5 रुपये देके कि तुम स्कूल छूटने के बाद में अपना क्लास करके तब आओ यहाँ पर. और किसी को पता ही नहीं चलता था. मैंने जब नेवल डॉकयार्ड में एक बार परफॉर्मेंस दिया तो माय फादर वाज सिटिंग विथ फ्लैग ऑफिसर नंदा एंड रियर एडमिरल कटारी, है ना. एंड मुझे नहीं मालूम था कि वो इस कार्यक्रम में आ जाएंगे. और जब स्क्रीन का पर्दा खुला और एकदम नमस्कार करके नजर गई तो मैंने उनको देखा वाइट ड्रेस में, वो बैठे हुए हैं उनके अपने मित्रों के साथ में, और मुझे तो पसीना छूट गया ना. लेकिन मेरे पिता ने मुझे वहाँ, तो वो कभी सबके सामने प्यार नहीं करते थे, लेकिन घर में मैं डरते डरते जब घर आई तो उन्होंने मुझे कहा कि तुमने बहुत अच्छा नृत्य किया. तो मैंने सोचा दादी को बोलने दो, मैं तो ज़रूर कुछ सीखूंगी, ओडिसी ज़रूर सीखूंगी, क्योंकि उसका पूरा जो लयात्मकता थी ना, उसका जो संयुक्ता जी का लावण्य झरता था पद संचालन में ना, वो भरतनाट्यम में धड़ धड़ वाला नहीं था, एक होता. तो मैंने सोचा था, लेकिन अब मैं तो ट्रेड यूनियन में फंस गई और मुझे लगा कि मैं लिख करके चीज़ों को लड़ूँ और बस्तियों में जा करके लोगों को जानूँ. देखिए, राइटिंग और डांस ये दोनों है इंटेंस फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी. ये दोनों में आप क्या रिलेशन देखते हैं, इक्वेशन कैसे आप देखते हैं बिटवीन डांस एंड लिटरेचर? मुझे लगता है कि नृत्य और संगीत भारतीय जनजीवन में उसमें समाहित है. न समाहित होता तो असम का इतना गरीब तबका मौसम आने पर बिहू करने के लिए ना निकल पड़ता, है ना. आप देखिए हमारे मौसम के रंग भी हमको आमंत्रित करते हैं. सरस्वती की आराधना करते हुए हर गरीब भी सोचेगा कि मैं मछली और भात खिला करके अपने बच्चे को कलेक्टर बनाऊं. सम ऑफ द रीजन सर दिस डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम विस्थापन बोलते हैं, ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोचिए पोस्को, वेदांत, और कभी कभी रॉन्ग रीजन में ओडिशा आ जाता है, लाइक कंधमाल रायट्स एंड ये सब जो है. थोड़ा दूर में रह के क्या महसूस करते हैं? अभी तो आए हैं आप, ओडिशा आए हैं और आप भी दूर में रहते हैं, सो आप क्या महसूस करते हैं ये सब? मैं एक CPI से अलग होकर निकली हुई लेखिका हूँ, जहाँ मुझे लगा कि मुझे समाज में भाषण के नारों के अलावा सिर्फ मैं मार्क्स की डफली ना बजाती रहूँ, मैं काम करती हुई नजर आऊँ जिनके लिए हम सोचते हैं, विचार करते हैं. तो मैंने वो रास्ता अपनाया. लेकिन मेरे घर में मेरे पति सारिका के एडिटर अवध नारायण मुद्गल जी, लेखक और कवि, वो तो सुबह उठते ही एक होता है जो सबसे पहला काम करते हैं, वो शिव स्त्रोत का पाठ. तो मैं सोचती हूँ कि चलिए वो मेरे अर्धांग है, वो याद कर रहे हैं ईश्वर को. तो लेकिन ईश्वर या धर्म, धर्म कभी हिंसा सिखाता है क्या? अगर धर्म हिंसा सिखाता होता तो कलिंग वॉर के बाद अशोक धर्म की शरण में न जाता, मुक्ति उसको वहां नजर आई. कलिंग हमारे लिए, हमारी हिस्ट्री में, हमारे गौरव में एक ऐसा पाठ है जिससे एक पराक्रमी चक्रवर्ती सम्राट सीखता है इसको धर्म की शरण में जाना है, वो धम्मम शरणम जाता है. ये हमें सीखने की जरूरत है. इतनी हिंसा के बाद हम अशोक की समझ के बावजूद हमको सीख नहीं पाए. उड़ीसा तो ने तो बहुत रास्ता दिखाया. ये जो एक मूवमेंट था जो 60s में भारत में शुरू हुआ था, जो नक्सलाइट मूवमेंट था, एक इंडिजिनस मूवमेंट था, जिसमें विच वॉज अट्रैक्टिंग द क्रीम ऑफ द सोसाइटी, क्रीम ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस,
ये जो मूवमेंट था उसमें शामिल थे बहुत सारे आदमी, आम आदमी शामिल थे, मगर ये जो अभी चल रहा है माओइस्ट मूवमेंट जो चल रहा है उसमें वी हैव नेवर सीन द करप्ट पीपल, करप्ट पॉलिटिशियंस, करप्ट बिजनेसमैन टू बी एनिहिलेटेड और किल्ड, बट इंस्टेड वी फाइंड द कॉमन मैन दे आर बिकमिंग द टारगेट्स ऑफ दिस पीपल। आप इसको कैसे विजुअलाइज करते हैं? आप देखिए, जब नक्सलवाड़ी उसकी बात कर रहे हैं, नक्सल आंदोलन, तो हमें पता था कि असंतुष्ट लोग जिनके साथ जाती हुई व्यवस्था के माध्यम से, या जिनके ऊपर भारत के नागरिक तो सभी हैं, उनको भी ये हक है कि उनके यहाँ भी रेलगाड़ी पहुँचे, उनको भी ये हक है कि उनके खेतों को पानी मिले, उनको भी ये हक है कि उनके पास अगर बीज नहीं है खेतों के लिए तो वो मिले, उनको भी ये हक है कि उनकी पुलिस उनकी रक्षा के लिए आए, दमन के लिए आगे ना आए। नक्सलवाड़ी आंदोलन के साथ में हम लोगों की एक पूरी सहानुभूति थी और हमें लगता था कि ये उपेक्षित, हाशिए पर फेंक दिया गया जन समुदाय है, ग्रामीण इलाके हैं जिनको, जिनके बारे में जिनका आक्रोश इस तरह व्यक्त हो रहा है, और वो कहीं ना कहीं व्यवस्था या सत्ता के लिए एक थपथपाहट दस्तक थी दरवाजे पर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हमारे उस हमारे अभाव, गरीबी से जूझता जो सामान्य जन था, उसकी मदद के लिए बहुत से लोग आगे आ गए, और वो बहुत से लोग इस तरह से आगे आए कि तुम्हारे पास छुरी चाकू नहीं है, अरे तुम कैसे लड़ाई लड़ोगे, हम तुमको सप्लाई करते हैं छुरी चाकू। मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूँ। और आज जब इंटेलेक्चुअल्स इस तरह, मैं नाम लेती हूँ, नांदीग्राम है और उस तरह सिंगूर है, मुझे ये चीज़ बहुत गहरे चुभी कि लड़ाई को जिस रूप में, आप ये भी देखिए कि वहाँ हस्तक्षेप किन लोगों का बढ़ रहा है, या कहीं और भी, जैसे माओवादी छत्तीसगढ़ से लेकर आंध्र से लेकर के तेलंगाना, मतलब आप देखिए सब जगह ये पैसा हमारे ही बच्चों को कहाँ से मिल रहा है ना, हमारे ही वो बच्चों को ये क्यों सिखाया जाता है। देखिए, आतंकवादी वही नहीं है जो एक धर्म और समुदाय विशेष के हैं, है ना, उग्रवादी वही नहीं है, ये कैसा उग्रवाद है, वो तो बाहर कुछ मांगों को लेकर, ये तो हमारे ही बच्चे हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं, और उसमें बड़े लोग तो बच जाते हैं। वो अगर दिशाहीन हुए तो आप हथियारों से उनका दमन नहीं कर सकते हैं, उनको प्यार से कैसे होगा इस पर विचार करना होगा, बल्कि इंटेलेक्चुअल्स का डेलीगेशन जाना चाहिए, वार्तालाप होना चाहिए, और कहीं ना कहीं एक होता है एक समाधान की दिशा में आगे बढ़ना। ये तो नहीं, जो अरुंधति रॉय ने कहा है, मैं अरुंधति के मत का सम्मान करती हूँ, आप स्वतंत्र हैं, एक लेखक होने के नाते नहीं, एक इस देश के नागरिक होने के नाते ही, लेकिन आप समाधान केवल ये दे देना चाहते हैं कि जी उनकी जनता ऐसा चाहती है इसलिए दे दीजिए, तो जनता तो जनता हमारे इधर की भी, छत्तीसगढ़ और वहाँ की भी चाहती है, उनको अलग कर दिया जाए, कौशल राज दे दिया जाए, पला कर दिया, तो ऐसे बिखर करके क्या होगा। हमें ये समझना चाहिए कि घर का एक चूल्हा है, उसमें बेटा रिबेल बनता है, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए हम उसको भी कुटुंब से जोड़ लें, उसको मार कर भगा मत दे कि जा तू अलग चूल्हा चाहता ले जा चूल्हा, ऐसा नहीं, ऐसे तो न जाने क्या होगा। बंगालियों ने सहा, पंजाबियों ने सहा विभाजन की पीड़ा, है ना, तो ये समाधान मुझे नहीं लगता है कि एक लेखक को जिम्मेदार होने, अपनी अभिव्यक्ति में विवेक की जरूरत है। आपकी जो उपन्यास है आवाम जो है जी, उसको माना जाता है कि ये कुछ दिनों में ये बहुत बड़ी एक उपन्यास है, एंड जो आपका जो फिलोसफी ऑफ लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है ये उपन्यास में जी, आपको तो क्या प्रोवोक किया और यू डिसाइड टू राइट दिस नॉवेल, कैन यू जस्ट इलैबोरेट। ऐसा है, ये उपन्यास मैं शायद जिंदगी में नहीं लिखती, लेकिन जब 90 में जब नियोगी हत्याकांड हुआ, वो सब चल रहा था, टेंशन चल रहा था, और वो जैनियों का वो जो शराब लॉबी थी, शराब लॉबी का, और मैं दो ही बार गई हूँ, बिलासपुर से होते कोरबा होते हुए, कुसुमाबाई जो उनकी स्त्रियों की उसकी जो लीडर थी उनसे मिली थी, नियोगी भाई से मिली थी, तो जब उनकी हत्या हुई नियोगी जी की, तब मुझे बहुत तकलीफ हुई, मुझे लगा नियोगी जी यहाँ से उठे, नियोगी भाई यहाँ से उठे और वो कितने बजे अपने घर पहुँचेंगे और कहाँ किस जगह सोएंगे, हत्यारों को ये मालूम था, ये हत्यारे
वो पूंजीपति नहीं थे, ये हत्यारे वो थे जो ट्रेड यूनियन में शामिल थे, असंतोष के कारण अलग हुए और उनको ही खरीदा पूंजी ने, और किसके खिलाफ खरीदा, इनके। तो आप ये देखिए, मैंने आवा नियोगी जी के हत्याकांड के बाद सोचा कि जो ट्रेड यूनियन में अंतर विरोध है उनको आंखें मूंद कर स्वीकार नहीं करना चाहिए। मेरी जैसी लेखिका या मेरी जैसी, मैं स्त्री, साधारण स्त्री पहले हूँ, तो मैं स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। तो तब मुझे ये लगा कि मुझे आवा लिखना चाहिए, क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में, लीडर तो नहीं, एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जुड़ी रही हूँ। मैंने अपनी जिंदगी का निर्णय शादी करने के बाद लिया कि मैं महल से निकलकर झोपड़पट्टी में रहूँगी। मेरे पति टाइम्स ऑफ इंडिया के समय सब एडिटर थे, अवध नारायण मुद्गल, और सारिका में सब एडिटर थे, और कमलेश्वर जी ने 65 में ही सारिका ज्वाइन की थी। मेरी शादी के बाद जहाँ मैं झोपड़पट्टी में, जिस खोली में मैं रहती थी, उसमें कमलेश्वर जी आए, उनका पंखा नहीं है, मैंने कहा अभी पैसे नहीं है, बोले मैं लगवा दूंगा। 80 रुपये का ओरिएंट फैन कमलेश्वर जी ने लगवाया, और उसके लिए बीच में एक लकड़ी लगानी पड़ी कि फैन उस पर टंग सके। तो कहने का अर्थ है कि मेरे पति, उनके मित्र उस समय भी एक वन रूम किचन लेके मलाड़ में और गोरेगांव में रह रहे थे, मैं भी रह सकती थी। मैंने मुद्गल जी से कहा, मैं जिस चीज़ को मैंने अपनाया है, जिस दिशा को, मैं उनके बीच, मैं केवल विचारधारा के स्तर पर मैं उनकी बेहतरी के लिए भाषण देती हूँ, मैं उनके बीच रहकर देखूंगी कि उनके वो कैसे रहते हैं। और मुझे दुख है 97 में दत्ता अंकल को का मर्डर हो गया सिंधिया हीरा नंदानी से निकलते हुए, और वो चाहते थे कि मैं उनको ये पढ़वाऊँ, हिंदी पढ़ लेते थे बहुत अच्छे से हिंदी, मुझे, मैं मराठी में भी थोड़ा बहुत शुरू में लिख चुकी हूँ, तो लेकिन वो इच्छा मेरी पूरी नहीं हुई, वो संशय अपने मन में ही लेकर चले गए। हम लोग सुने थे चित्रा जी के बारे में, मगर ओडिशा आने के बाद आप एक दूसरा स्वरूप हम लोग जानने लगे, और हमारा जो